बहुत जल्द पूर्णिया के गुलाबबाग बाजार का जीर्णोद्धार हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभाग को इस संदर्भ में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सदर विधायक विजय खेमका ने कोसी आलोक से बातें करते हुए कहा कि उन्होंने कृषि उत्पादन बाजार समिति के उद्धार के लिए मुख्यमंत्री से जब फरियाद किया तो मुख्यमंत्री ने तत्काल विभाग के सचिव को आदेश देते हुए कहा कि इसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। वहीं जल निकासी के लिए भी आवश्यक प्रक्रिया को पूरा कर काम को तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। जल जीवन हरियाली यात्रा के लिए बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी आए हुए थे और एक समीक्षा बैठक समारोह में हुई। उसमें हमने पूर्णिया के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी के सामने कुछ विषय को रखने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कुछ पूर्णिया को दिया है, ये भी हमने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री जी ने दी है। लेकिन और भी आवश्यकता है, जिसमें कि कृषि उत्पादन बाजार समिति जो मार्केटिंग यार्ड है गुलाबबाग, जिसकी कि 2018 में ही 15 करोड़ राशि आवंटित की गई और उसका DPR भी बना, लेकिन वो भवन विभाग और एग्रीकल्चर विभाग के फाइलों में जो है अभी तक नहीं बन पाई। इस ओर हमने उनका ध्यान आकृष्ट करवाया और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत रिव्यू किया उसका, और कृषि विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उनको उन्होंने निर्देशित भी किया कि यह काम तुरंत जो है किसानों के हित का काम है और वहाँ व्यवसायिक क्रय विक्रय करते हैं, इसलिए कि उसका तुरंत जीर्णोद्धार किया जाए, ऐसा उन्होंने आदेश भी दिया। यहाँ पर जाम की समस्या रहती है, इसलिए करके 5 फ्लाईओवर शहर को बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो जल निकासी के अभाव में जो शहर की नरकीय स्थिति है, उसमें स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर सिस्टम जो है, जो लगभग 3,71,00,000 का जिसका DPR बना हुआ है और वो TS के लिए गया हुआ है नगर विकास विभाग में, वो भी मैंने मुख्यमंत्री जी को याद दिलाया कि इसका फंड ट्रांसफर कर दिया जाए, आदेश दे दिया जाए, ताकि पूर्णिया में भी जो है जल निकासी के लिए सारे आउटलेट खुल जाए, नाला बन जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो सके। विशेष रूप से हमने मुख्यमंत्री जी को याद दिलाया कि नल जल की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो 7 निश्चय में है, वो योजना हमारे यहाँ हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे ढंग से हो रही है, लेकिन शहर में जो पाइपलाइन बिछाया जा रहा है उससे सड़क टूट रहे हैं। तो एक तरफ हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं, दूसरी तरफ वो सड़क टूट रही है, इसलिए तुरंत उस सड़क का निर्माण तुरंत हो, पाइप बिछे और तुरंत निर्माण हो, इसका भी हमने ध्यान आकृष्ट करवाया, उस पर भी उन्होंने एक्शन लेने के लिए कहा है। दूसरा एक चीज़ जो जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जो ऐसे तालाब हैं जिसके महार पर काफ़ी दिनों से लोग रह रहे हैं, सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, वो विस्थापित हो रहे हैं, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि उनका पुनर्वास करवाया जाए, ताकि वो जो है विस्थापित नहीं हो और उनके तरफ से कोई शिकायत नहीं मिले, इस दिशा में मैंने दिलवाया। अनेक मैं जो आवश्यकता पूर्णिया की है उसके विषय में मैंने कहा है, केंद्रीय विद्यालय का जो भवन है, उसकी जो भूमि है, उसका निबंधन शुल्क जो है मुक्त कर दिया जाए, उसे माफ़ कर दिया जाए, ताकि वहाँ भवन निर्माण हो सके। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपने नर्सिंग ही क्यों चुनी? मेरी ख्वाहिश है, काफी इंटरेस्टिंग है। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि पूरी तरह से सेवा भाव पर आधारित है। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। AGL redefines glamour with its ultra glamorous Grastec Double XL is ideally suitable for hotels, restaurants. फर्श पर खिलती है, दीवारों पे सजती है। कॉन्टेक्ट नंबर 9470022188।